चित्तौड़गढ़ में जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अघोषित विद्युत कटौती, जलापूर्ति और मनरेगा में राहत प्रदान करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इससे पहले उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। कि आज सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरे प्रदेश में बल्कि जिले की हालत तो ये हालत है कि बिजली कटौती के नाम पे एक जो बिजली कटौती हो रही उसकी कोई सीमा ही नहीं है। पूर्व में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो ये हालत नहीं थी, लेकिन अभी तो इतनी हालत ख़राब है गाँव में, तो बहुत ज़्यादा शहरों में फिर भी ठीक है, लेकिन गाँव की स्थिति बहुत ख़राब है। और पेयजल के नाम पर जो टेंडर जो किए हैं उनमें भी यही हालत है। पिछले टाइम से लोगों को पैसा नहीं मिला, इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और टैंकर की सप्लाई नहीं हो पा रही, और पेयजल के लिए बहुत जो मवेशी है उनको लिए भी पानी नहीं मिल पा रहा और मनुष्यों के लिए भी पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इसके लिए हमने सरकार को ज्ञापन, मनरेगा को लेकर भी ज्ञापन, मनरेगा में भी आज जो स्थिति है गाँव में लोग आवेदन कर रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है उनको, और छाया पानी की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है, इसीलिए हमने ज्ञापन दिया। समय परिवर्तन की भी मांग की है कि भाई सुबह आज इतनी भीषण गर्मी, आज अपन खड़े हैं वो खड़े नहीं रह पा रहे हैं, तो इतनी गर्मी में कोई नरेगा मजदूर काम कैसे कर पाएगा। इसके लिए अपने टाइम की भी मांग की है कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का टाइम किया जाता है।